हाँ जी दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों मैं थोड़ा अपना सुखमीत सिंह खन्ना, अज मैं गल करन लग्या मत्तेवाड़ा टैक्सटाइल पार्क जिहड़ी लगनी सी। पिछे जे तुहानू याद होना है कि पैक वालों एक धरना भी लाया गया सी उत्थे, ते जो वाजब मंगा सी ओह रखियां गईयां सी। उस तो बाद भगवंत मान जी दे नाल मीटिंग हुई पैक दी पीएससी, सो उन्हां नूं विश्वास दवाया गया कि टैक्सटाइल पार्क है जिहड़ी इत्थे नहीं लगेगी। उहदा एक कारण सी क्योंकि टैक्सटाइल पार्क जे लगदी सी तां उत्थे साढ़े सतलुज दरिया है जिहड़ा उह बहुत ज़्यादा गंदला हो जाणा सी, पीण योग पानी है जिहड़ा उह बिल्कुल दूषित हो जाणा सीगा, लखां जीव जंत ने जिहड़े पानी दे विच उह मरने सी, ते उस एरिया दा जिहड़ा पानी है उह बिल्कुल दूषित हो जाणा सी। सो राजनीति अपनी जगह है, जिथे सरकारां चंगा कोई काम करदियां ने तां उत्थे सानू सरकार दी शलांघा भी करनी चाहीदी है। सो अज फैसला आया है, पीयूष गोयल जी ने बयान दिता है कि टैक्सटाइल पार्क है जिहड़ी हुण ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ आप ग्राउंड लैवल ते जाके देखो, पिंडां दे विच जाके देखो कि पानी किन्ना गंदला है, कैंसर दी बीमारी तो लोग पीड़ित ने। सो तुहानू पंजाब दे मुख्यमंत्री होण दे नाते जाना बनदा है, जरूरी है। किसी वेले तुसी भी इन्हां फैक्ट्रियां दा विरोध करदे सी ते अज परमात्मा ने तुहानू तख्त बख्शिया, तां इस तख्त ते बैठ के इन्हां गल्लां नू भुल्लो ना। दूजी गल, लतीफपुर जिहड़े लोग बेघर कर दिते ने, उत्थे भी एक बार गेड़ा लाओ ते उत्थे उन्हां दा रैण बसेरा बना के दिओ। तीजी ते अहम गल, साडे सारिआं दे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी 2015 दे विच बेअदबी हुई, उन्हां दे जिहड़े उस मामले का हले तक कोई फैसला नहीं होया, कोई इंसाफ नहीं मिलिया सिख कौम नूं, उस दे उपर भी जल्द तो जल्द कोई फैसला लो तां कि लोग तुहाडे नाल जुड़े रहन। ये ना होवे कि रवायती पार्टियां दे वांगू, क्योंकि उन्होंने लोगों दी नहीं सुनिया, अपनियां मनमर्जियां करियां। इस कारण तुहानूं पता है कि इस टाइम अकाली दल दे हालात भी पता ने, तुहानूं कांग्रेस दे भी पता ने। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ 47 ਵੇਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।